स्वामी दयानंद जो आर्य समाज के स्थापक थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिनके भवन में हम बैठे हैं, स्वामी दयानंद जी ने एक वाक्य लिखा है, बहुत बहुत गहरी बात है, कि भारत वो पत्थर था जिसको छूने के बाद कोई भी पारस होता, ऐसा पत्थर सोने का। तो स्वामी जी ने ये लिखा है तो ऐसे ही नहीं लिखा, उसके पीछे कोई गहरी बात होगी, क्योंकि स्वामी दयानंद जी के बारे में तो ये बात बिल्कुल निर्विवाद कही जाती है कि वो कोई चीज असत्य नहीं लिखते, असत्य कभी बोला नहीं, असत्य कभी लिखा नहीं, और हमेशा जीवन में दूसरों को उपदेश दिया कि सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना उसके लिए हमेशा तैयार हो। तो उन्होंने जब ये लिखा बहुत पहले सत्यार्थ प्रकाश में और फिर उनके उपदेशों में ये सब बात आई है, तो कुछ तो इसके पीछे राज होगा। एक बार मैंने ये बात मेरे गुरु से पूछी, मेरे गुरु थे, उनका नाम था श्री धर्मपाल, वो बहुत बड़े इतिहासकार थे, उनका जन्म मुजफ्फरनगर जिले में हुआ और उनकी पढ़ाई लाहौर में हुई थी और बाद में वो प्रोफेसर होके भारत के बाहर चले गए थे। लंदन में टेम्स यूनिवर्सिटी में करीब 40 साल उन्होंने पढ़ाया और कई देशों में वो विजिटिंग प्रोफेसर थे। अंत में जब रिटायर वगैरह हो गए तो भारत वापस आ गए, मेरे वो गुरु थे। एक बार मैंने कहा कि स्वामी दयानंद जी ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा कहते हैं तो सही कहते हैं, इसमें गलत क्या, कि भारत तो सोने की चिड़िया था। तो मैंने कहा सुना तो मैंने भी है बचपन से सोने की चिड़िया था, लेकिन इसका सबूत क्या, प्रमाण क्या इसका। तो कहने लगे तुम्हारे जैसे आदमी की यही गड़बड़ी है। मैंने कहा मेरे जैसे से मतलब? तो उन्होंने कहा जो आधुनिक शिक्षा लेकर निकले हुए लोग हैं ना, इनके जीवन में एक ही गड़बड़ी है कि वो अविश्वास पहले करते हैं, विश्वास बाद में करते। और ये जो बिना पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, उसकी ये खुशकिस्मती है और खूबी है कि वो सबसे पहले विश्वास करता है, अविश्वास कभी नहीं करता। इसका मतलब इस पढ़ाई लिखाई ने हमको खराब कर दिया, अविश्वासी बनाया, हम जल्दी भरोसे ही नहीं करते किसी चीज पे। मुझे भी नहीं होता, क्योंकि मैं भी इसी आधुनिक शिक्षा में से पढ़कर निकला हुआ। तो मैंने मेरे गुरु से कहा कि मुझे तो होता नहीं विश्वास, अब आप कहते हैं स्वामी दयानंद ने कहा है तो मुझे तो प्रमाण दिखाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमको प्रमाण चाहिए तो लंदन जाओ। मैं पूछा क्यों, लंदन क्यों? तो उन्होंने कहा सब प्रमाण वहीं पे हैं, भारत के सारे प्रमाण वहां हैं। तो फिर तब से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई और फिर मुझे लंदन जाने का जब चांस मिला, मौका मिला, तो मैंने वहां वो प्रमाण देखे। लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी। हाउस ऑफ कॉमन्स माने अंग्रेजों की लोकसभा, तो अंग्रेजों की लोकसभा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वहां भारत के बारे में लाखों दस्तावेज, लाखों की संख्या। और लंदन शहर में और एक दूसरी लाइब्रेरी है, उसको ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी कहते हैं। वहां पे भी भारत के बारे में लाखों दस्तावेज, उनमें से कुछ 50,000 दस्तावेज मेरे पास भी है जो वहीं के हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी के हैं, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के हैं, थोड़ा सॉर्बोन की एक बड़ी लाइब्रेरी है फ्रांस में, वहां के हैं। ऐसे अलग अलग जगह के कुछ दस्तावेज हैं, संख्या लगभग 50,000 है, लेकिन लाखों में दस्तावेज वहां है जो ये बताते हैं कि भारत कैसा देश था अंग्रेजों के आने के पहले।